नमस्कार दोस्तों, हूँ केशव खेरा और फाइनली आज भारतीय बाजार में रियलमी ने अपना नया स्मार्टफोन रियलमी C11 पेश कर दिया है। इस फोन को लेकर पिछले काफी समय से अटकलें हो रही थी, ये फोन कब लॉन्च होगा डेट कंफर्म नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली अब कंपनी इस फोन को इंडिया में लेकर आ चुकी है और आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ। आप बॉक्स देख सकते हैं कि मेरे सामने रखा हुआ है और बॉक्स की जो कंटेंट है वो हम जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसका फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे। बॉक्स की लुक्स आप देख सकते हैं कि सेम जो रियलमी के स्मार्टफोन आते हैं वैसी है, कुछ नयापन नहीं है। येलो कलर की पैकेजिंग है, नीचे की तरफ कुछ स्पेक्स लिखे हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी जो कि प्राइसिंग है और यहाँ पे जो भी यूज़र मैनुअल और जो बॉक्स कॉन्टेंट है वो लिखा है इसके अंदर, और रेगुलर बॉक्स पैकेजिंग है। पर एनीवे, पैकेजिंग अच्छी हो या ना हो, हम बॉक्स को खोल के अनबॉक्सिंग हमेशा ही आपको दिखाते हैं और आज भी मैं अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। और ये रहा बॉक्स, खुल जा सिम सेम, खुल गया बॉक्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ हमेशा एक लिड रखी रहती है जो कि यहाँ पे भी है, और इस लिड में क्या है वो हम जानेंगे। इसको हटा लेते हैं। हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, हमेशा की तरह एक अच्छा सा कंपनी यहाँ पे आपको एक लाइन जो है वो लिख के दे रही है कि आप वेलकम किया है कंपनी ने आपको। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इस लिड के अंदर, यूज़र मैनुअल और सेफ्टी गाइड है, और यहाँ पे सिम इजेक्शन टूल आपको मिल जाता है, इसको हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जैसे लिड हटाई है यहाँ पे आपको फ़ोन मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ओके, तो फ़ोन को उठा लिया जाए। ओके, कलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी मैंने इसको इस रैपर से बाहर निकाला ही नहीं है, पर के कलर देखने में ही काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेहद ही शानदार कलर है, एक नए तरीके का ग्रीन कलर कंपनी लेके आई है। इनफैक्ट लुक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत ही शानदार फ़ोन लग रहा है। कम बजट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है, नो डाउट। यहाँ पे हम रियलमी को बहुत टाइम से कोस रहे थे कि एक ही डिज़ाइन पे सब स्मार्टफोन लेके आ रही है, तो कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत कर दी है और कम बजट के फ़ोन से ही डिज़ाइन चेंज कर दिया है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। पर एनीवे, अभी ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे, अभी मैं फ़ोन को ऑन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका बूट टाइम कितना है, आप नोट करते रहिएगा। और इसके अलावा अभी हम बाकी बॉक्स कंटेंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाती है जो कि है माइक्रो यूएसबी केबल, इसके साथ साथ एक अडाप्टर मिलता है। साइज़ तो बहुत बड़ा है, पर चार्जिंग स्पीड कितनी है वो देख लेते हैं। तो चार्जिंग स्पीड है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर, 10 वॉट की चार्जिंग स्पीड आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। और यहाँ पे आपने इसको ऑन होता हुआ देख रहे हैं आप, ये देखिए बूट हो चुका है, फ़ोन ऑन हो चुका है। तो यह है इसका बॉक्स कंटेंट, जब भी आप रियलमी C11 खरीदेंगे ये सब कुछ बॉक्स कंटेंट आपको इसके अंदर मुहैया करवाया जाएगा। चलिए बिना किसी देर के फर्स्ट इंप्रेशन पर नज़र डाल लेते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, और सबसे पहले हम लुक्स पे नज़र डालेंगे। हम सभी लोग बहुत समय से कह रहे थे कि यार रियलमी जो है अपने सभी स्मार्टफोन को एक ही जैसा बना रहा है, डिज़ाइन चेंज नहीं कर रहा, सब में वर्टिकल शेप कैमरा प्लेसमेंट मिल रही है, लेकिन रियलमी C11 के साथ आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। इस बार डेफिनेटली आपको एक नई लुक वाला फ़ोन देखने को मिल रहा है। बजट रेंज में ही शुरुआत की है, पर शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं कैमरा प्लेसमेंट अब बॉक्स शेप हो चुकी है और थोड़ा सा अलग दिख रहा है रियलमी का ये स्मार्टफोन दूसरे रियलमी के स्मार्टफोन के मुकाबले। बीच में यहाँ पे आपको एक प्लेन सी पट्टी मिल जाती है, और जो यहाँ पे आप बाकी एरिया पे देखेंगे आपको टेक्स्चर्ड बैक पैनल मिलता है। ये टेक्स्चर बैक पैनल हम रियलमी के दूसरे बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन में देख चुके हैं, चाहे हम बात करें रियलमी C3 की या फिर नार्जो सीरीज़ की, ऐसा टेक्स्चर जो है हमको देखने को और स्मार्टफोन में मिल चुका है। पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हर बार की तरह पैटर्न ज़रूर अलग किया है और लुक्स भी अलग करी है। इसके लिए हम यहाँ पे रियलमी को ज़रूर दाद देंगे कि फाइनली कंपनी ने अब डिसीजन चेंज कर लिया है, एक नई लुक के साथ स्मार्टफोन लेके आई है और देखने में फ़ोन बहुत शानदार लग रहा है, खासतौर पर ये ग्रीन कलर। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिलती है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है, माइक है और 3.5 ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। इस तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की मिलेगी। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया गया, और अगर हम यहाँ पे देखें फ़ोन के लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। ओवरऑल एक अच्छा दिखने वाला पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन का स्मार्टफोन कंपनी लेके आई है, जो कि डेफिनेटली कम बजट यूज़र को ज़रूर पसंद आने वाला है। कम बजट यूज़र क्या, जिनका बजट बहुत ज़्यादा भी था उनको पसंद आएगा क्योंकि लुक्स बहुत शानदार है, लेकिन कम बजट के लिए तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हम यहाँ स्पेसिफिकेशंस की, तो आप बता दूँ कि ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन जिसमें कंपनी ने मीडियाटेक का हीलियो G35 चिपसेट दिया है।
अब आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है वो मीडियाटेक ने कम बजट में गेम खेलने के लिए डिज़ाइन किया था और यहाँ पे रियलमी ने इसे इस फ़ोन में लाकर इंडिया में पेश कर ही दिया है। और इसमें आपको 2GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया, मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में नहीं बताया, अभी पहले मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बता दिया है क्योंकि मैं बहुत देर सोच रहा था कि आपको बता दूं कि प्रोसेसर क्या है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं कि आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो आपको अपने सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको बता दूं कि 6.5 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है विथ यहाँ पे वाटर ड्रॉप शेप नॉच। मिनी ड्रॉप कंपनी ने इसको कहा है कि पहले के मुकाबले अब जो ये वाटर ड्रॉप शेप है वो छोटा हो चुका है, इसलिए अब रियलमी के जितने भी वाटर ड्रॉप शेप नॉच वाले फ़ोन आते हैं उनको कंपनी मिनी ड्रॉप ही कहती है। अब एक बार अबाउट सेक्शन जाके भी देख लेते हैं फ़ोन के बारे में थोड़ा बहुत। Realme C11 लिखा है, Realme UI वर्जन V1.0, Android 10 दिया है, 2GB की रैम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पे आपने देख लिया इसके बारे में। अब एक और हाईलाइट बता दूँ इस फ़ोन का, वो है इसकी बैटरी। 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाती है कम बजट के अंदर, बस हाँ चार्जिंग स्पीड 10 वाट की है। तो यहाँ पे आप देखिए ना कि बजट भी तो बहुत कम है, Realme पता नहीं कैसे कर पा रहा है कि कम बजट में बहुत ही अच्छे स्पेक्स मुहैया करवा रहे हैं, चाहे वो हम इस फ़ोन की बात करें, चाहे हम Realme C3 की बात करें, चाहे हम Narzo 10A की बात करें, कम बजट में सभी फ़ोन में आपको दमदार स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं और इसमें भी आपको कम बजट में बहुत ही शानदार स्पेसिफिकेशन मिले हैं। कैमरा प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि बॉक्स शेप कैमरा प्लेसमेंट है, 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शटर स्पीड डिसेंट है और 2 MP सेंसर जो है वो पोर्ट्रेट के लिए काम आता है, डेप्थ सेंसर है। इसके साथ साथ इसमें आपको वीडियो में दिखा दूँ क्या ऑप्शन मिलते हैं, 1080p रेजोल्यूशन में वीडियोस आप शूट कर पाएंगे। और मोर में जाके देख लेते हैं, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, एक्सपर्ट प्रो मोड है और पैनोरामा मोड भी है। वहीं फ्रंट में आपको 5 MP का शूटर मिल जाता है और ब्यूटी मोड भी दिया गया है और फ्रंट में भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। फ्रंट के वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट से भी आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज कंपनी लेके आई है बजट के हिसाब से, और अगर आपका भी बजट काफ़ी कम था और आप एक दमदार स्मार्टफोन लेना चाह रहे थे, ऐसा फ़ोन लेना चाहते थे जिसमें गेमिंग खेल सकें और बजट भी कम हो, तो आप रियलमी C11 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन डेफिनेटली कम दाम में शानदार है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन अगर हम इसकी जो प्राइस रेंज है वो C2 के लॉन्च प्राइस से कंपेयर करेंगे थोड़ी ज़्यादा आपको ज़रूर लगेगी। शायद ये बढ़ा हुआ प्राइस GST की वजह से है या जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से है, पर प्राइस थोड़ा सा पहले के मुकाबले ज़रूर ज़्यादा है। हालांकि कम बजट का है और अच्छे फीचर्स हैं, पर प्राइस ज़्यादा हम जरूर कहेंगे। पर एनीवे आपका क्या राय है इस फोन को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमेशा के लिए वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।